तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा व्यथा होता है, दिमाग खराब होता है, 35 या 36 पे कर देता है। 35 या 36 पे कर देता है। जब आदमी का मूड ज्यादा ओवर हो, मूड खराब था तो मार देंगे। 35 या 36 टुकड़े भी कर देता है आदमी। कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारे? सीधी है, चाकू लो, बजाय चलिए जाओ नुई बुलंदशहर का। बुलंदशहर का नाम क्या है आपका? राशिद खान। बयान ऐसा जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाए, बयान ऐसा जिसे सुनकर सिर पर गुस्सा सवार हो जाए। इतना गुस्सा कि उसी वक्त उसके साथ खड़े दूसरे युवक ने इसके इस बेहुदा बयान सुनने के बाद इस पूरे समुदाय को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। दरअसल हैवानियत इनके खून में है, इनकी गलतियां नहीं है। देखो भाषा, देखो कितना आराम से लग रहा है कि 35 टुकड़े 40 भी हो जाते हैं। मैंने एक चीज बताया था कि कोई गलती एक बार होती है। वहाँ मौजूद लोग बोले कि ये इसकी गलती नहीं है, बल्कि इस पूरे समुदाय की मानसिकता ही गंदी है। इन्हें हिंसा करना सिखाया जाता है। लोगों ने श्रद्धा के इसकी आड़ में बिना किसी गुरेज समुदाय विशेष पर जमकर निशाना साधा। खुद की बहन होगी ना, खुद की बहन के होगा, जब पता चलेगा। ऐसा है, ये इस्लाम के अंदर हैवानियत ही भरी हुई है, खुल के कह रहा हूँ मैं। आप कह रहे मजहब जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल मजहब जिम्मेदार है। जो इनसे इनको सिखाई जाती है वही बड़े होके इनके अंदर पैदा होती है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये जनाब राशिद खान नहीं बल्कि विकास कुमार हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सिकंदराबाद के मौलाबाद गांव निवासी इस युवक की असली पहचान विकास कुमार पुत्र चोखे लाल के रूप में हुई है। और फिलहाल विकास को सिकंदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकास कुमार नहीं, मैंने उससे बोली थी, मन की असली नाम बताओ, मैंने के लिए बताओ नगर असली बता ला कर था। मन की विकास कुमार, तो मैंने जब बताया था हंस रहे थे वो, तो मुसलमान तो नहीं, तो हिंदू तो नहीं है, झूठ बोला तो तेरे चेहरे वेरे थे पता पड़ रहा। ठीक है, जो मुझे क्या पता था कि तकड़ी फिल्म हो जाएगी, वरना मुझे क्या मतलब तमाम कहने का। तो चोरी कहते, मैंने एक बाइक ले ली थी जो 2 साल पहले की बात हो, तो 1.5-2 साल हो गए। मुझे 1 महीना तो मैंने कुछ नहीं करा, फिर 1 महीने के बाद लेबर चौक पर जाता था, काम वाम करता था, किसी का बस नहीं थे। फिर मेले में लगा था, 300 रुपये देता था मेले में वो मुझे, जो ठेकेदार था, 300 मुझे सुबह का खाना खाना था, शाम का खाना खाना, तो वही बचते थे 50-60 रुपये जब जिम में। तो ये बहुत बड़ा, मैंने गलती खामों का ऊपर का केस लिया, कुछ भी बात नहीं थी वहाँ पर। तो मुझे रात से कहते थे, जब मुझे की वजह से मन के नहीं बता, तो मुझे नहीं पता था कि सर ये इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी मेरे साथ, वरना मुझे क्या मतलब तो हम बोलने के लिए। दरअसल दिल्ली में एक कथित महिला पत्रकार द्वारा मेहरोली में हुए श्रद्धा के जघन्य हत्याकांड पर लोगों की प्रतिक्रिया ली गई थी। वहां भीड़ में विकास कुमार अपनी असली पहचान छुपाकर राशिद खान बना खड़ा था। विकास ने कहा कि गुस्से में किसी को भी 35 की बजाय 36 टुकड़े में काटा जा सकता है। इतना ही नहीं, उसने कहा कि कोई मुझसे टकराएगा तो मैं भी उसका यही हाल करूंगा, और ये सब करने के लिए उसे किसी से कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। काटने मारे, सीधी है, चाकू लो, बजाय चलिए जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, और जो मेरे किसी लड़े मैं काट दूंगा कहते। आप भी काट लेंगे? थोड़ी यार दोस्त से मत। विकास का ये वीडियो वायरल हुआ तो समुदाय विशेष लोगों के निशाने पर आ गया, जबकि हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी के तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में शिकायत पत्र दिए। सिकंदराबाद में भी हिंदू जागरण मंच द्वारा आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। तो वहीं जब पुलिस ने कथित राशिद खान यानी कि विकास कुमार को गिरफ्तार किया तो सारा पासा ही पलट गया, क्योंकि जिसे लोग मुस्लिम समझकर पूरे समुदाय को निशाना बना रहे थे, असल में वो हिंदू निकला। रविंदर शर्मा मंच और सिकंदराबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं, और एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है राशिद खान नाम के व्यक्ति की, उसके लेकर के बहुत ज्यादा पूरे क्षेत्र में आक्रोश बना हुआ है, तनाव व्याप्त है, और वो अपने आप को बुलंदशहर का रहने वाला बताता है। उसने कहा है कि जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या दिल्ली के अंदर तो कहा, उसने कहा कि 35 टुकड़े हो सकते हैं, और उसने कहा कि 35 ही नहीं 36 भी हो सकते हैं। और वीडियो जब उससे कोई महिला एंकर उससे पूछ रही है कि क्या तुमने पहले कोई किसी को काटा है, तो वो उसको कबूल भी कर रहा है कि हाँ मैंने हत्या की है। ऐसे अपराधी को तुरंत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, उसके लिए हम तहरी रात थाने में देने आए। जबकि विकास एक पेशेवर अपराधी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ बुलंदशहर और नोएडा में करीब 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। खैर, फिलहाल बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस विकास को सलाखों के पीछे भेज रही है। 2 दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जो कि दिल्ली में शूट किया जाना पाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो खुद को राशिद बता रहा है, उसने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस संबंध में थाना सिकंदराबाद की पुलिस को
को लगाया गया था कि इस व्यक्ति को ट्रेस करें, जिसके आधार पर इस व्यक्ति को आज हिरासत में ले लिया गया है। इसने अपना नाम विकास बताया है और इसके द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के आधार पर इस पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ यह बात प्रकाश में आई है कि इसके ऊपर पूर्व के 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 2 जनपद बुलंदशहर में तथा 3 जनपद गौतम बुद्ध नगर के हैं, जो कि चोरी और अवैध असलाह से संबंधित हैं। इससे विस्तृत पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि विकास को राशिद के नाम से अब तक लाखों लोग देख चुके हैं, मगर अब देखना ये है कि उसकी असल पहचान उजागर होने पर हमारी इस वीडियो को कितने लोग शेयर करते हैं। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।